गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. टुडे आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू राइटिंग सेक्शन एंड स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग प्लेज ए विटल रोल इन इंग्लिश फैकल्टी. सो ऑल ऑफ यू मस्ट नो टू राइट ए गुड स्टोरी राइटिंग. फॉर दिस डेवलप योर ट्रांसलेटिंग एबिलिटी एंड इमेजिनेशन कैपेसिटी. टुडे आई एम टीचिंग यू ए स्टोरी एंड इट इज ए वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी. द क्वेश्चन इज दिस टाइप. A farmer had many sons, outline है. A farmer had many sons. They often quarreled among themselves. वे अक्सर आपस में झगड़ते थे. Farmer's advice proved useless. Farmer का सलाह बेकार साबित हुआ. He placed a bundle of sticks before them. वह उन लोगों के सामने एक लकड़ी का बोझा रखा. आस्ट इज टू ब्रेक इट. और इसे प्रत्येक को तोड़ने के लिए कहा. ऑल डिसाइडेड बट फेल्ड. सभी ने कोशिश किया लेकिन असफल हो गए. अनटाइड द बंडल. उसने बंडल खोल दिया. स्टिक्स नाउ इजली ब्रोकन. अब स्टिक आसानी से टूट गया. फार्मर्स एडवाइस. किसान का सलाह. तो इस आउटलाइन से इतना तो स्पष्ट है कि यह जो है ए फार्मर एंड हिज सन्स की कहानी है. तो ये कहानी जितना दिया हुआ है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हूँ बहूँ रटें और हूँ बहूँ वही लिखें. इस कहानी को आप कुछ अपने स्तर से भी लिख सकते हैं. एक बार की बात है. एक किसान था. उस किसान के बहुत सारे लड़के थे. वे लोग काफ़ी उदंड थे. वे लोग कुछ कार्य नहीं करते थे. वे लोग इधर उधर मात्र घूमते थे. उन लोगों के पिताजी काफ़ी चिंतित थे. वे सोचते थे कि किस प्रकार मैं इन्हें सही रास्ता दिखाऊं. वे बार बार उन्हें सलाह देता था कि कुछ करना अति आवश्यक है लेकिन वे लोग उनकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं देते थे. एक दिन किसान को एक उपाय सूझा. उसने एक लकड़ी का गट्ठर लाया और अपने लड़के को बुलाया. उसने सभी लड़के को इसे तोड़ने के लिए कहा लेकिन कोई भी लड़का उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा. अंत में उन्होंने उस लकड़ी के गट्ठर को खोल दिए और एक एक लकड़ी अपने लड़के को दिया. वे लोग इसे बहुत आसानी से तोड़ दिए. बच्चे अब वास्तविकता समझ चुके थे. वे लोग समझ गए थे कि एकता में बल होता है. और उस दिन से वे लोग अपना कार्य सुचारू रूप से करना शुरू कर दिए. अब जरा यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका भी लगभग हिंदी वही है लेकिन फिर भी एक नज़र देख लें. देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज. एक गांव में एक किसान रहता था. देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज.
एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड मेनी सन्स, उसे बहुत सारे लड़के थे। हु यूज टू फाइट एंड क्वारल एमंग देमसेल्व, जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। क्वाइट ऑफन, अक्सर छोटी छोटी बातों पर सभी भाई लोग लड़ जाते थे। ही वुड एडवाइज देम सेइंग यू फाइट क्वाइट ऑफन। वह उन लोगों को यह कह कर के सलाह देते थे, तुम लोग अक्सर झगड़ते हो, इट इज़ नॉट गुड एज इट विल वीकेन यू, यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि यह तुमको कमज़ोर बना देगा। बट हिज एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन देम, लेकिन उसके सलाह का उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वन डे ही ब्राउट ए बंडल ऑफ स्टिक्स बिफोर देम, एक दिन उसने उन लोगों के सामने एक लकड़ी का बोझा लाया। वन डे ही ब्राउट ए बंडल ऑफ स्टिक बिफोर देम एंड आस्ट ईच ऑफ देम, और उन लोगों में से सभी को कहा टू ब्रेक दैट, इसे तोड़ने के लिए। ऑल ऑफ देम ट्राइड टू स्टिक्स वन बाई वन, ऑल ऑफ देम ट्राइड टू ब्रेक इट बट दे फेल्ड। वे उन लोगों में से सभी ने, जितने भी लोग थे, सभी ने इसे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन असफल हो गए। द फार्मर अनटाइड द बंडल एंड सेड टू देम, किसान ने वह गट्ठर खोल दिया और उन लोगों को कहा, नाउ ब्रेक द स्टिक वन बाय वन, अब एक एक करके छड़ी को तोड़ो। द सन डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, लड़के लोगों ने कोई समस्या का सामना नहीं किया। एंड ब्रश्ड आउट ईजली, और इसको आसानी से तोड़ दिया। जब लकड़ी का बोझा खोल करके एक एक करके उन लोगों को दिया गया तो वे लोग इसे बिल्कुल आसानी से तोड़ दिए। दिस वाज वेरी ईजी, यह बहुत आसान था। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, डू यू गेट एनी लेसन आउट ऑफ इट, क्या तुम लोग इससे कुछ शिक्षा पाते हो। द सन डेक्लाइंड, लड़का ने मना कर दिया। देन ही सेड दैट हिज परपस बिहाइंड द स्टोरी वाज दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, तब उन्होंने कहा कि इस कहानी के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि एकता में बल है। अगर आप सभी एकता हैं बना करके रखे हुए हैं तो किसी भी चीज़ पर आप विजय पा सकते हो। तो इस कहानी का मूल बात यही बताया गया है कि आपस में मिलजुल कर रहना अवश्य ही जरूरी है। अब आप लोगों का ड्यूटी है कि कुछ अपना स्तर से भी मेहनत करें, इसलिए हमने एक स्टोरी का आउटलाइन दिया है और उस आउटलाइन को थोड़ा हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और पुनः आप इसे अपने स्तर से डील करेंगे। टू फ्रेंड्स ट्रेवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, दो मित्र एक जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे, जंगल से होकर गुजर रहे थे। एग्री टू हेल्प ईच अदर इन डेंजर, और वादा किए थे एक दूसरे को खतरा में मदद करने के लिए। सडनली ए बियर अपीयर्स,
अचानक एक भालू पहुंचता है। वन एट वंस क्लाइंब अप ए ट्री, लेकिन एक जो मित्र है वह तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। द अदर लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, और दूसरा बेचारा जमीन पर सो जाता है। द अदर लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड एंड होल्ड्स हिज ब्रेथ, और अपनी सांस को रोकता है। द बियर कम्स अप टू हिम, भालू उसके पास आता है। स्मेल हिज फेस, उसके चेहरा को सूंघता है। थिंग्स ही इज डेड, वह समझता है कि यह मर गया। गोज अवे, और चला जाता है। द फर्स्ट मैन नाउ कम्स डाउन, और पहला जो आदमी था अब नीचे आता है। आस्क द अदर, दूसरे से पूछता है। व्हाट द बियर सेड इन हिज ईयर, कि भालू ने उसके कान में क्या कहा था। तो इस तरह से, इस आउटलाइन से हम समझते हैं कि आप लोग अवश्य ही एक अच्छा स्टोरी बना सकते हैं। और इसका हेडिंग आप दे देंगे, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, और आउटलाइन भी आप लोग के सामने है। तो इसको एक अच्छा स्टोरी और अपने मन से सोच समझ करके लिखेंगे, और उसे चेक कराना नहीं भूलेंगे कि आप कहाँ तक और क्या जानते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले दिन।